नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज हम बात करेंगे कि आंदोलन क्या होते हैं, संविधान हमें किस तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत देता है। मैं जनजातीय क्षेत्र से एक अनुकरणीय आंदोलन का उदाहरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन पहले बात करते हैं उन विरोध प्रदर्शनों की जो नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के कुछ एक हिस्सों में हो रहे हैं। आंदोलन और विरोध प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा की अनुमति किसे है? दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र विरोध कर रहे हैं, यह उचित है। लेकिन जिस तरह के धार्मिक उन्माद भरे मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं, उनका क्या औचित्य है? झंडों, पोस्टरों, मोमबत्तियों के साथ परेड और मार्च सही, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले छात्र तो सहानुभूति के अधिकारी नहीं हो सकते। कैंपस में घुसी पुलिस और लाठीचार्ज पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये उत्तर तो ले लिए जाए कि जामिया नगर इलाके में पथराव करने वाले कौन लोग थे? दर्जन भर बसों और दुपहिया वाहनों में आग लगाने वाले कौन हैं? जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं उन पर हमला करने वाले कौन हैं? इसके साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बिना अनुमति पुलिस विश्वविद्यालय कैंपस में घुसी और कार्रवाई की। अनुचित का प्राधिकार किसी के पास भी नहीं है। इन घटनाओं के आलोक में कुछ बयान महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों को छात्र कार्यकर्ताओं के रूप में जिहादियों, माओवादियों और अलगाववादियों से सतर्क रहना चाहिए। मंत्री जी के इस बयान को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुए हिंसक प्रदर्शनों और उसके बाद बेनकाब हुए शहरी नक्सलियों के परिप्रेक्ष्य में अवश्य देखना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक पर सुनवाई से पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एएस बोबड़े का बयान उल्लेखनीय है। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बसों को आग लगाई गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि वे छात्र हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले लें। मित्रों, जिस कानून का भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं, वह धार्मिक आधार पर कितना विभेद उत्पन्न कर रहा है, इसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय करने जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि खास रंग के धार्मिक चश्मे पहनकर किए जा रहे बवाल क्या सांप्रदायिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं? आंदोलन क्या होता है, इसे जानने समझने के लिए जेएनयू या एएमयू जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बस्तर से एक घटना का उदाहरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को सुनने समझने के पश्चात आप समझ सकेंगे कि संविधान ने आंदोलन को आवश्यक क्यों माना है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। बात 1967 के आसपास की है। देश भर में चावल की कमी थी। जनजातीय क्षेत्र का मुख्य भोजन चावल है, अतः इस कमी ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया। आदिवासी महिलाएं तत्कालीन अपदस्थ महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव से मिली और उनके सामने अपनी मांग रखी कि रुपया का 2 पैली चावल होना चाहिए। पैली एक डब्बा या मापक होता है। महाराजा प्रवीर ने कहा कि अब लोकतंत्र है, आप जाकर कलेक्टर से मिले और अपनी अर्जी दें। प्रवीर के कहने पर अर्जी लिखवा कर 8 महिलाएं हिम्मत करके कलेक्ट्रेट घुस गईं। बार बार चपरासी द्वारा उपेक्षित किए जाने अथवा भगाए जाने के बाद भी ये महिलाएं इस बात पर डटी रहीं कि उन्हें कलेक्टर मोहम्मद अकबर से मुलाकात करनी है। शोर सुनकर कलेक्टर को बाहर आना पड़ा। महिलाओं ने बिना किसी औपचारिकता के अपनी मांग सामने रख दी कि रुपया का 2 पैली चावल होना चाहिए। बड़ा अधिकारी था, उपेक्षा से उसने कहा कि हटाओ इनको, यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी, और मोहम्मद अकबर अपने कमरे में लौट गए। यह दिन आया और गया हो गया। अगला दिन कलेक्टर की गाड़ी बिना किसी व्यवधान के मुख्य द्वार तक पहुंच गई थी। मोहम्मद अकबर ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। 5 से 8 हजार महिलाएं कलेक्ट्रेट का घेराव कर बैठी हुई थी। वे शांति से बैठी हुई थी, कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं था, कहीं कोई नारे नहीं लग रहे थे, कहीं कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाए गए थे। किसी झुंड ने एक तरफ चूल्हा बना लिया था, अहाते में लगे नल से कोई अपने बच्चे को नहला रहा था, किसी कोने में कुछ महिलाएं लोक गीत गाने में व्यस्त। अप्रत्याशित स्थिति थी, अपने आप में अनोखा दिखाई देने वाला था यह आंदोलन।
कोई नेता हो तो बात की जाए, कोई प्रवक्ता हो तो मांग रखे। यहां तो बस डेरा डाल दिया गया है और बेरुखी भी है। क्या इस तरह मांगे मनवाई जा सकती हैं? क्या इस तरह से प्रशासन को झुकाया जा सकता है? एक दो दिन का फितूर है, मोहम्मद अकबर ने खुद को समझाया और कार्यालय के भीतर चले गए। 5 दिन हो गए, कार्यालय में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। कार्यालय के बाहर महिलाएं भी उसी तरह डटी हुई थी। बिना किसी वार्ताकार के उनका मौन आंदोलन चक्रवात का रूप लेने लगा। पहले पहल तो अखबारों ने ध्यान ही नहीं दिया, फिर जगदलपुर के स्थानीय अखबारों से होते हुए भोपाल के सियासी गलियारों तक यह अनुगुंजित होने लगा कि रुपया का 2 पैली चावल होना चाहिए। किसी ने मांगा नहीं, लेकिन एक फाइल जिसके कवर पर रुपये का 2 पैली चावल होना चाहिए लिखा हुआ था, जगदलपुर से भोपाल पहुंची। सचिवालय में एक मेज से दूसरे मेज तक सरपट दौड़ती हुई अपनी परिणति तक पहुंची। आखिरकार योजनाओं में से योजना निकाली गई, फिर किसी योजना के साथ यह योजना जोड़ दी गई। फाइल में आखिरी हस्ताक्षर से पहले टिप्पणी थी, बस्तर में रुपया का 2 पैली चावल होगा। मित्रों, असहमतियां हमारी थाती है, आवश्यक है असहमतियां ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन असहमतियां व्यक्त करने के भी अपने रास्ते अपने तरीके हैं। आप मशाल जलाकर विद्रोह की लौ तो प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी बस ट्रक या किसी भवन में आग लगाने के अधिकारी नहीं हैं आप। ऐसा करते हुए आप आंदोलनकारी नहीं, अपराधी की श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर निरंतर बहस होनी चाहिए, यह आवश्यक है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त के योग्य नहीं। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।